सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो इक्वेशंस के बारे में, पॉइजन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन, है ना। तो आज हम बात करते हैं दो इक्वेशंस के बारे में। एक तो आ गया हमारे पास पॉइजन इक्वेशन, ठीक है, और दूसरी आ गई हमारे पास लाप्लास इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले हम कहें कि जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, आपने कहा था विद्युत चुंबक विद्युत स्थितिकी के लिए गॉस का नियम हमने पढ़ा था। गॉस का नियम कहता है कि भाई किसी बंद पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान है उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है, है ना। तो हमने लिखा था द नेट इमर्जिंग फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस एंड 1/ε0। उसको हमने डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से, वैल्यू थी हमारे पास ई आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, डॉट वैल्यू आ गई डी एस, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई क्यू अपॉन वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया था, कुछ वैल्यू आ गई थी ई डॉट वैल्यू आ गई डी एस इक्वल्स टू, है ना, सरफेस इंटीग्रेशन है तो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, कितना आ गया 1/ε0 आ गया, एप्सिलॉन 0 आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गया और वैल्यू आ गई रो और डीवी। या इसी इक्वेशन को गॉस और डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि भी किसी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन है वो उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, है ना। तो उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम इसको कन्वर्ट करें तो हमने क्या लिखा था, इसको कुछ इस तरीके से लिखा था, डाइवर्जेंस ऑफ ई आ गया और वैल्यू आ गई डीवी आ गया, रिक्वेस्ट वैल्यू आ गई 1/ε0 आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और वैल्यू आ गई रो और वैल्यू आ गई डीवी। या वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गया डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस वैल्यू आ गई रो अपॉन एप्सिलॉन 0 और वैल्यू आ गई डीवी इक्वल्स टू 0 आ गया। या वैल्यू आ गई डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस वैल्यू आ गई रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। या डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये डिफाइन करता है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, है ना। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ को हमने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया हमने, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो अपॉन वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 0। या इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख दूं, वैल्यू आ गई डेल डॉट वैल्यू आ गई ई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो अपॉन वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ई हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। और हम सबने पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के तुल्य होता है ना। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या इसी को क्या लिख सकता हूँ, देखो इसी इक्वेशन से मैंने ऐसा लिख दिया, डेल आ गया डॉट वैल्यू आ गई माइनस ग्रेडियंट फाई का मतलब कितना मानो, माइनस वैल्यू आ गई डेल फाई। मैंने पहले भी बताया था कि ग्रेडियंट जो आप डिफाइन करते हो वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी का डिफाइन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, और डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का डिफाइन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दैट मीन्स डेल डॉट वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई डेल फाई और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई रो अपॉन वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 0 और वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर आ गया, वैल्यू आ गई फाई आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस और रो अपॉन वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 0 आ गया। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डिफाइन करती है किसको, पॉइजन इक्वेशन को डिफाइन करती है। और पॉइजन इक्वेशन का अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइजन इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ऐसी इक्वेशन है जो किसी बाउंड रीजन में, है ना, किसी बद्ध क्षेत्र के अंदर आवेश घनत्व यानी रो की वैल्यू, या हम कहते हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो उससे हम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइजन इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया। अब रो है, रो हमारे पास चार्ज डेंसिटी को मेंशन कर रहा है। अब हम कहें कि चार्ज जो है वो यदि एक तो हम एग्जांपल कहें कि भाई फ्री चार्ज हो और एक हम कहें चार्ज कैसा हो, बाउंड चार्ज हो। अगर बाउंड चार्ज है बद्ध आवेश है, या मैं कह दूं कोई चार्ज फ्री चार्ज जहां अवेलेबल नहीं हो, तो बद्ध आवेश की अवस्था में यानी फॉर बाउंड चार्जेस
फोर बाउंड चार्जेस फोर बाउंड चार्जेस या और चार्ज फ्री रीजन चार्ज फ्री रीजन मतलब हम कह दें किसके लिए बदावेश या कौन से क्षेत्र के लिए आवेश मुक्त क्षेत्र में आवेश मुक्त क्षेत्र में क्या कह सकते हैं हम रो इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी और रो इक्वल टू वैल्यू जीरो आएगी तो इस इक्वेशन वैल्यू क्या आएगी डेल स्क्वायर आ गया फाई आ गया रिक्वेस्ट टू वैल्यू आ गई जीरो आ गया तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है ना लाप्लास इक्वेशन कहलाएगी और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है हमारे पास कौन सी पॉइजन इक्वेशन पॉइजन्स इक्वेशन है ना तो जिस तरीके से हमने पॉइजन इक्वेशन के लिए हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया उसी तरीके से लाप्लास इक्वेशन में हम कह रहे हैं कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू जीरो डेल स्क्वायर जो है ये बेसिकली अपने पास क्या डेल स्क्वायर किसको मेंशन करता है डेल स्क्वायर कहलाता है कौन सा ऑपरेटर कहलाता है डेल स्क्वायर कहलाता है लाप्लाशियन ऑपरेटर या लाप्लाशियन संकारक है ना इसकी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लाशियन संकारक या लाप्लाशियन ऑपरेटर है ना तो लाप्लास इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो हम कहते हैं यूनिकनेस थ्योरम की टर्म में यानी हम कहते हैं कि इफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन देन द लाप्लास इक्वेशन शुड हैव वन एंड ओनली वन और द यूनिक सॉल्यूशन है ना दिस इज नोन एज द यूनिकनेस थ्योरम या हम कहते हैं अद्वितीयता प्रमेय अद्वितीयता प्रमेय कहती है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक किसी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस लाप्लास इक्वेशन है ना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वैसे तो उसके सॉल्यूशन कितने आने चाहिए दो सॉल्यूशन आने चाहिए लेकिन यूनिकनेस थ्योरम या अद्वितीयता प्रमेय कहती है कि यदि किसी रीजन में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दिस लाप्लास इक्वेशन मस्ट हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन तो उस कंडीशन में इस लाप्लास इक्वेशन का केवल और केवल एक ही हल परिभाषित किया जा सकता है जैसे इसका एग्जांपल हम कहें कि ये कंडक्टिंग स्फीयर आप ले लिया ना कंडक्टिंग स्फीयर है उसको यदि कोई भी चार्ज अपन देते हैं तो हमने पढ़ा है 12th क्लास में छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी चार्ज यदि हम देंगे तो चार्ज हमेशा कहाँ आएगा उसके सरफेस पे आएगा तो उसके अंदर चार्ज कितना हुआ अंदर चार्ज हमारे पास कितना हो गया जीरो हो गया यानी उसके अंदर जो है लाप्लास इक्वेशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी है ना लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इसलिए उस कंडक्टिंग स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालो चाहे आप उसके सेंटर पर निकालो किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालो पोटेंशियल जो है वो हमेशा कैसा आएगा सेम आएगा ठीक है तो ये दो तरह की इक्वेशन हमारे पास आती है एक तो कहलाती है पॉइजन इक्वेशन और एक कहलाती है हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है ना डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर है ना ये डेल स्क्वायर ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर कहलाता है ये कहलाता है हमारे पास लाप्लाशियन ऑपरेटर कहलाता है तो आपके सिलेबस में एक लाइन मेंशन कर रखी है कि लाप्लाशियन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है ना तो तीन तरह के निर्देशांक हम पढ़ते हैं एक तो हम कहते हैं कार्टेशियन है ना या कार्तीय निर्देश तंत्र एक तो पढ़ते हैं हम कौन सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरा आ गया हमारे पास कौन सा दूसरा आ गया बेली निर्देश तंत्र बेली या कौन सा आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा आ गया हमारे पास गोलीय या स्फेरिकल ठीक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं कि डेल की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है हमारे पास कैसी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल जेड या डेल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आ गई डेल टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल जेड स्क्वायर ठीक है इसी तरीके से बेली निर्देशांकों की यदि हम बात करें तो डेल ऑपरेटर है वो डिफाइन जैसे इसमें कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन करते हैं किसमें कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और
जेड से, ठीक है। इसी तरीके से बेलनी निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट डिफाइन किए जाते हैं रो फाई और जेड से, और थर्ड अपने पास आ गया गोलीय निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट डिफाइन किए जाते हैं आर थीटा और फाई से, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर है उसको अपन डिफाइन करते हैं, रो कैप आ गया डेल अपॉन डेल रो आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई फाई कैप अपॉन में वैल्यू आ गई रो डेल अपॉन डेल फाई, प्लस जेड कैप डेल अपॉन में वैल्यू आ गई डेल जेड। बेसिकली इनका डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ना, बीएससी सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं, या फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में इनका डेरिवेशन नहीं दे रखा, सिर्फ एक एक्सप्रेशन आपके पूछ रखा है, तो आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वहां ये छोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह दूं डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है, डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है वन अपॉन रो डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल रो रो डेल अपॉन डेल रो आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई वन अपॉन रो स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई डेल टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल जेड स्क्वायर। इसी तरीके से गोलीय निर्देश तंत्र की बात करें तो डेल इक्वल टू वैल्यू आती है आर कैप डेल अपॉन डेल आर, प्लस में वैल्यू आ गई थीटा कैप अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, प्लस वैल्यू आ गई फाई कैप अपॉन वैल्यू आ गई आर साइन थीटा और वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल फाई। और यदि हम बात करें लाप्लाशियन ऑपरेटर की, तो लाप्लाशियन ऑपरेटर कुछ इस तरीके से आता है वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल फाई स्क्वायर, है ना। तो डेल ऑपरेटर और डेल स्क्वायर ऑपरेटर, है ना, डेल संकारक या लाप्लाशियन संकारक की वैल्यू हमने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करी। कौन कौन से में? एक तो हमने किया कार्तीय निर्देश तंत्र में, दूसरे हमने व्यक्त किया किस में? बेलनी निर्देश तंत्र में, और तीसरा हमने डिफाइन किया गोलीय निर्देश तंत्र में। तो दो तरह की इक्वेशन हमने लिखी थी, एक तो लिखी थी पॉइजन इक्वेशन डेल टू फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और एक इक्वेशन हमने पढ़ी डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू वैल्यू आ गई जीरो। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी रीजन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उसका एक एग्जाम्पल हम कर लें, है ना, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू हमें किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में काम में लेना है तो ये वैल्यू हम काम में ले लें, अगर हमें बेलनी में लेना है तो ये वाली वैल्यू काम में ले लें, और गोलीय निर्देश तंत्र है तो ये वैल्यू काम में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसका हमने कहा कि भाई पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन बोथ इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए बाउंड रीजन, है ना, तो हम कहें कि भाई सपोज दैट इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें कि सपोज दैट दो पैरेलल प्लेट हैं, है ना, जैसे ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास तीन डायरेक्शन आ गई, एक डायरेक्शन आ गई एक्स, डायरेक्शन आ गई वाई और ये डायरेक्शन आ गई जेड। तीन प्लेटें आ गई इस तरीके से, ये पहली प्लेट आ गई और ये दूसरी प्लेट आ गई, ये अपन ने कह दिया जेड इक्वल टू जीरो है, ये आ गया जेड इक्वल टू डी है, यहां पोटेंशियल आ गया फाइव इक्वल टू फाइव वन आ गया, यहां पोटेंशियल आ गया फाइव इक्वल टू फाइव टू आ गया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कह दी कितनी है डी है, ठीक है। तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या बनी कि एट जेड इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल कितना है फाइव इक्वल टू वैल्यू आ गई फाइव वन, ठीक है, और जेड इक्वल टू डी पर फाई इक्वल टू वैल्यू आ गई फाई टू। अब मैं कहूं कि इसके बीच में किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली देखो हम क्या मेथड हम अडॉप्ट करें। जैसे सपोज दैट हमने कह दिया अगर यहां कोई चार्ज होता है ना तो हम क्या कहते हैं कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो की इक्वेशन हम काम में ले लेते, लेकिन इस कंडीशन में चार्ज फ्री रीजन है तो मैं कह दूं कि भाई डेल स्क्वायर लाप्लास इक्वेशन अपन काम में ले लें, है ना, दोनों इक्वेशन से, है ना, दोनों इक्वेशन के लिए एप्लीकेशन अपन इसको बना सकते हैं। लाप्लास इक्वेशन क्या बनी, अगर बाउंड चार्ज है, है ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स की हम बात करते हैं, अगर उसको हमने बैटरी से अगर हमने कनेक्ट कर दिया, किसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, तो हम क्या कहें प्लेट्स पर जो चार्ज आएंगे, है ना, और एक हमने कह दिया उसके बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो चार्ज आएंगे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो चार्ज है वो चार्जेस कैसे हैं, बेसिकली
बाउंड चार्जेस है ना, तो हम कहें डेल स्क्वायर फाई कॉस्ट वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल टू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई फाई कॉस्ट टू जीरो आ गया। अब प्लेट्स का जो अरेंजमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बन गई डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आ गई जीरो, है ना। आपके काफी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इक्वेशन पूछा गया डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, कॉन्स्टेंट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और इंटीग्रेशन कर दें तो फाई इक्वल टू वैल्यू क्या बन गई, सी वन जेड आ गया प्लस वैल्यू आ गई सी टू आ गया, ठीक है। जैसे इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, ठीक है। तो मैं कहूं कि बाउंड्री कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशंस कह रही हैं, बाउंड्री कंडीशन आ गई जेड इक्वल टू जीरो, एट जेड इक्वल टू जीरो फाइव इक्वल टू वैल्यू है फाइव वन के इक्वल, है ना। फाइव वन इक्वल टू वैल्यू आ गई कितना बन गया सी टू, इसका मतलब पहला रिजल्ट तो आ गया सी टू इक्वल टू वैल्यू आ गई फाइव वन के इक्वल। इसका मतलब जो इक्वेशन बनी है ना, जो इक्वेशन बनी वो कैसे बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी वैल्यू पुट कर दें इसको यहां, तो फाइव इक्वल टू वैल्यू आ गई सी वन आ गया और वैल्यू आ गई जेड आ गया और प्लस में वैल्यू आ गई फाइव वन, ठीक है। अब मैं कहूं कि नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन, डी डिस्टेंस के ऊपर हम चल रहे हैं, तो डी डिस्टेंस मतलब जेड इक्वल टू डी पर नेक्स्ट पोटेंशियल हमारे पास कितना है, फाइव टू है, सिंपल कंडीशन है। तो नेक्स्ट हम बाउंड्री कंडीशन कह दें कि भाई जेड जेड इक्वल टू डी फाइव इक्वल टू वैल्यू कितनी है फाइव टू, तो दैट मीन्स फाइव टू इक्वल टू वैल्यू आ गई सी वन आ गया डी आ गया प्लस में वैल्यू आ गई फाइव वन, या इसका मतलब सी वन आ गया डी आ गया इक्वल टू वैल्यू आ गई फाइव टू माइनस वैल्यू आ गई फाइव वन, इसका मतलब सी वन इक्वल टू वैल्यू आ गई फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन वैल्यू आ गई डी, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की देखो वैल्यू कितनी बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास इक्वेशन है फाइव इक्वल टू वैल्यू है सी वन जेड प्लस में वैल्यू आ गई सी टू, दोनों वैल्यू में पुट कर दूं तो फाइव इक्वल टू वैल्यू आ गई सी वन मीन्स फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन डी इंटू वैल्यू आ गई जेड और सी टू की वैल्यू कितनी आ गई फाइव टू, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करना चाहें तो ई इक्वल टू हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो होगी वो डिफाइन करेगी इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगी। प्लेट्स जो है वो अलाइंड है कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अलाइंड है, तो मैं कहूं कि वैल्यू हमारे पास क्या बनी, ई इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस के कैप वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल जेड, या इक्वल टू वैल्यू आ गई कितना बना, वैल्यू आ गई कितना बना डेल फाइव बाई डेल जेड की कोरस्पॉन्डिंग इसका डिफाइन करोगे तो माइनस आ गया, वैल्यू आ गई फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन वैल्यू आ गई डी, और वैल्यू क्या बनी के कैप, या इक्वल टू वैल्यू आ गई के कैप आ गया और वैल्यू आ गई फाइव वन माइनस वैल्यू आ गई फाइव टू और अपॉन वैल्यू आ गई डी। तो ये एक्सप्रेशन मेंशन करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, है ना। हमने कहा ना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइव इक्वल टू वैल्यू थी जेड, जेड मतलब जेड की कोई वैल्यू, जेड इक्वल टू सपोज डी वन डी टू कोई वैल्यू हम पुट करके उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया उस एक्सप्रेशन में कहीं भी जेड नहीं आ रहा है, जेड नहीं आ रहा है इसका मतलब जेड की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, है ना, जेड इक्वल टू वन टू थ्री या डी वन डी टू डी थ्री कोई वैल्यू हम पुट करें तो वो वैल्यू जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।